नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। थाना पागबड़ा के क्षेत्र ख्वाजा कॉलोनी में नाबालिग से हुए सामूहिक बलात्कार मामले को लगभग 2.5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नाबालिग लड़की को इंसाफ नहीं मिला है। नाबालिग लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा परिवार अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब तक पीड़ित परिवार ने 2 बार जनपद मुरादाबाद के कप्तान को शिकायती पत्र सौंपा है और 2 ही बार DIG शलभ माथुर को शिकायती पत्र दिया है तथा 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजा है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर परिवार ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ उठाई है और बलात्कार करने और सेक्स रैकेट चलाने वाली मास्टरमाइंड महिला फैजवी और उसका पार्टनर गुलाम जिलानी पुत्र इरशाद हुसैन निवासी डिंगरपुर थाना मनठेर जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है को गिरफ्तार करने की मांग की है। आप भी देखिए हमारी है स्पेशल रिपोर्ट। ख्वाजा कॉलोनी में बरसों से सेक्स रैकेट चल रहा था, उसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ भी कई लोगों ने बलात्कार किया था, जिसमें धरना के बाद FIR दर्ज करी पुलिस ने। 4 लोग जेल जा चुके हैं, 3 लोग बाहर हैं, जो पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, फैसले का दबाव बना रहे हैं, फैसला न करने पर जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। महिला पीड़ित परिवार इतना दुखी है कि कई बार उसने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने समझाया उसे मैंने कि तू मेहनत कर, संघर्ष कर, तुझे न्याय जरूर मिलेगा। तो आज उसी के उसमें हमने ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है और मांग की है कि उपरोक्त अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कराया जाए। 11 फरवरी को थाना पागबड़ा में 7 अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसमें अब तक 4 आरोपी नदीम, राजीव, मुनासिफ और फहीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस केस के मास्टरमाइंड फैजवी और गुलाम जिलानी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि पुलिस ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है इस केस को हल करने में और इस केस की जांच में अब तक 3 अधिकारी भी बदले जा चुके हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। अब तक की इस पूरी जांच में यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने अपना काम बड़ी ही ईमानदारी और सही ढंग से किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आरोपी फैजवी पुलिस से 10 कदम आगे चलती है और यही वजह है कि फैजवी ने पुलिस को छका दिया है और कहीं ना कहीं टेक्निकल तौर पर यह साफ कहा जा सकता है कि फैजवी पुलिस को चैलेंज कर रही है कि दम है तो पकड़कर दिखाओ। आपको यह भी बता दें कि सूत्रों से मालूम पड़ा है कि फैजवी और गुलाम जिलानी के अंडर में लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियां सेक्स रैकेट का हिस्सा थी और सुनने में यह भी आया है कि मुरादाबाद की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी इस सेक्स रैकेट का हिस्सा थीं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि इसका सही पता तो फैजवी और गुलाम जिलानी के पकड़े जाने के बाद उनसे पूछताछ करने पर ही चलेगा। लेकिन अब तक की जानकारी में यह पता चल पाया है कि फैजवी व गुलाम जिलानी एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट को चलाते थे, जिसमें इन्होंने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बनाया हुआ था जिस पर यह लड़कियों की फोटो, एज और उसने कितनी बार सेक्स किया है या फिर वर्जिन है, इस तरह का पोस्ट ग्रुप में डालते थे और एक स्टार्टिंग प्राइस रख कर उसको ग्रुप में शेयर कर दिया जाता था, जिस पर इनके क्लाइंट्स लड़कियों की बोली लगाते थे, जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होती थी वह लड़की उस क्लाइंट को सौंप दी जाती थी।
तो अब सवाल यह उठता है कि फैजवी व उसके पार्टनर गुलाम जिलानी और तीसरे आरोपी को कब और कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस नाबालिग लड़की को कब तक इंसाफ मिल पाएगा? हम जानते हैं कि हमारे दर्शक की निगाहें इस खबर पर टिकी हुई हैं और जनता भी यही चाहती है कि इस नाबालिग लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, लेकिन यह जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है कि वह कितनी जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। हम अपने दर्शकों से यह अपील करते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह खबर ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। बड़े अधिकारी भी इस खबर को देखें जिससे कि नाबालिग बच्ची को इंसाफ मिल सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।